हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। और भाई क्या हाल है? भाई नाम बता दे अपना। भाई मैं लक्ष्य त्यागी, गंगानगर से। ओ माय गॉड, हमें नहीं पता था। तो गाइस अब आ गए हम रोहित के घर एग्जाम देके। भाई एग्जाम तो ऐसे गया, देख लो दिग्गज इंसान। मेरे नाम सलमान खान बनना तू है। तो गाइस अभी देखिए मुझे पूछेंगे कौन आ रहा है, पता है वैसे मुझे? भाई आज तीन क्रिएटर आ रहे हैं, तीन, क्योंकि एक तो सिंगर ही तो आ रहा है। नितिन चौधरी कुछ ऐसी करके नाम है, एक शायर आ रहा है और एक अपने द वॉइस को तो जानती होंगे। उन भाई का मीटअप भी है आज 4 बजे से, तो आज सिस्टम हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मैं भी नहीं पता। तो भाई वैसे मैंने पूरा सेटअप रेडा करेंगे मुझे कह रहा है कि 10 बजे से वो है पॉडकास्ट, कुछ भी नहीं हुआ अपना। मैं जल्दी जल्दी एग्जाम करके आया, पॉडकास्ट में चलना भाई ने कह रखी, मगर नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। अब किस टाइम आने वाले हैं? कुछ बातचीत हुई नहीं इनसे? भाई वो निकल चुके हैं, बस 7 घंटे है। तो बस गाइस तो अब मिलते हैं सीधा, तो बस अब भाई के साथ बड़े तरह बातचीत करेंगे। तो गाइस क्रिएटर हो गए हैं थोड़े से लेट, क्योंकि उज्जवल कह रहे थे कि आधे घंटे में तो आने रहे, कह रहे हैं कि भाई अभी हम थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि रास्ते में बारिश पड़ रही है, तो आराम से गाड़ी लेकर आएंगे क्योंकि बारिश में ब्रेक नहीं लगते। अरे ब्रेक तो उज्जवल बेचारा भूख के मारे दिमाग हो गया है डाउन। अभी चेक कर रहा है माइक, चेकिंग हो रही है। तो भाई सेटअप भी हो गया हमारा, और ये ब्रो नहीं आए ब्लॉग में, देखो चेक चल रहे हैं, मैं चेक कर रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, जब आ जाएंगे और नहीं देख लो देख लो चार्ज होंगे। व्हाइटनर अलग अलग लगा देंगे ना, कोई दिक्कत है रोहित ब्रो? व्हाइटनर लगा ले, एक काम करो मेरे पेगा दो, मेरे पेगा ले निकाल दे, रखा दो पे लगा ले, लिखना इस पे प्लस माइनस लिख लो ना, बस डॉट लगा ले, ये डॉट लगा ले, डॉट लगा ले, डबल पे डॉट और आ रहे वाला सिंगल वाले अरे यार उज्जवल कहाँ है, वो कर रहे हैं डॉट, क्योंकि फिर याद रह जाएंगे हमें भी। तो गाइस तो चलो गाइस चेक कर ले, फिर उसके बाद जैसे भी कोई भी आता है तो मिलवाते हैं उनसे, जब तक भी कोई आएगा दिखाएंगे भी, बनेगा व्लॉग में, और फिर मिलते हैं सबके साथ। फाइनली ये जा रहे हैं भाई को लेने, भाई आ लिया है, चलो ठीक है लिया सर, ठीक है तो हम चलते अंदर। हाय भैया कैसे हो? भैया बारिश में भीग गई, बारिश सुबह से ही पड़ रही है। क्या हाल है ब्रो? हाय ब्रो, कैसा है? बढ़िया यार, बारिश बंद नहीं हो रही सुबह से, आज एक मीटअप करना था कैंसिल करना पड़ा, इसकी वजह से पता नहीं क्या सीन बना हुआ उसका। भाई पता नहीं, भी मीटअप हो भी सकता है नहीं, वही पूरा कंफर्म नहीं, देखता है बारिश ने शायद दिल को झंड कर दी। भाई आज सब गई, आज सब गई मूड खराब है क्योंकि सारे का मीटअप इतना प्यारा होता है, सब चीज हमने अरेंजमेंट कर दी थी, बट वो ये कि बारिश ने सारे भाई हो गए फोन आ रहे, सब कह रहे भाई किस टाइम आवा किस टाइम आवा, मगर यार कैसे आओ, मगर भाई बारिश पड़ रही भाई कैसा आवे, आज दिन कह रहे भाई अब कह रहे क्योंकि सब बाइक्स आते भाई, 2-4 भाई आते गाड़ी से, तो बस वही है, देखो क्या होता है, मैसेज अभी डलवाते हैं इंस्टाग्राम पे, अपडेट देते हैं, अपडेट देंगे। चलो फिर मिलते हैं भाई आने के बाद, भाई को लेने वैसे चले गए, तो चलो मिलते हैं भाई आने के बाद। तो गाइस हम जा रहे हैं, तो गाइस हम चल दिया था बॉयज वाइफ के पास, वो भाई हेमंत चौधरी भाई का मीटअप है, हम पहुंच रहे हैं उसके पास जल्द से जल्द, वो भाई खड़ा है रास्ते में, उसका फोन आ चुका है कि जल्दी चलो हमें फार्म पे पहुंचना है, तो भाई मिलते हैं तुम्हारे से फार्म पे। और भाई अब मैं अपने भाईचारे को फोन कर दूं कि मीटअप पे भाई भाईचारा तो चाहिए, जो भाई NCR से, तो चलो मिलते हैं वही फार्म पे पहुंच के। भाई देख ले खड़े सारे भाई वैगनार ओडी मर्सिडीज सब यही होगी, जयवार पैवार जो भी है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अमनदीप भाई के पास। हेलो भैया कैसे हो? बढ़िया मेरे भाई, बढ़िया बहुत शुक्रिया भाई आने के लिए। अरे भैया कोई बात नहीं, हम तो वेट कर रहे थे, हमने स्टोरी सब लगा रखी थी तुम्हारी। अरे भाई आपको बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और भाई ये सब बढ़िया? बहुत बढ़िया जी भाई, बढ़िया बहुत ले रहे हैं भाई, कैसा लगा मेरे ठाके? एक नंबर भाई, इतना प्यार दिया आपने भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत अच्छा, हमें भी अच्छा लगा आप आए मेरठ। अरे नहीं भाई, आपके प्यार ने बुला लिया, खींच के बुला लिया, आना बोला बाकी आप आना दिल्ली, अब
बिल्कुल बिल्कुल आएंगे ब्रो। भाई आ गए, सारे सेटअप हो गया, अब देखे हैं नवीन भाई यहीं आ जाएंगे और अब चलते हैं। जो जिस भाई के वेट कर रहे थे भाई आ चुके हैं। क्या हाल है भैया? और कैसे भैया? बढ़िया भाई, ठीक है बड़े भैया, बड़े अच्छे भैया। कोई दिक्कत तो नहीं आने भाई? कोई दिक्कत नहीं हुई, बस थोड़ा पानी भर रहा, रोड अपने करवाओ खाली भैया। ये तो हम भी नहीं करवा सकते। तो भाई देख लो हमारे नवीन भैया भी आ गए, इनका गुंडा गाना आया था वो सारे, और अब जा रहे हैं हम जाएंगे अब कहाँ? अभी मूछ बाबा कहाँ जाएंगे हम? अभी बोले क्या अभी क्या हाल है? मौज ले रहे सारे भाई इकट्ठे हो गए सब। तो गाइस बस अब बातचीत करके फार्म पे चलते हैं, भैया का मीठा वही है, तब देखते हैं क्या हो रहा है, क्या लोचा चल रहा है। पॉडकास्ट का पता नहीं होगा नहीं होगा, पर भाई देखो काफी जुड़ चुका है अपना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 अभी तो भाई कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग है भाई, अभी तो काफी जुड़ जाएगा भाई, अभी हो रहा है अभी तो यहाँ पे भीड़ हो जाएगी गाइस। तो इसकी सुन लिए क्या बता रहा है? अबे नू बता क्या कसम है उसकी बात नहीं खत्म, तू लोग में लेगा कैसे? ये कॉन्फिडेंशियल बात है समझा कर। देखिए एक और गाड़ी आ गई भी है, आ चुकी है अभी, आगे से आगे लगवाएंगे थोड़ी, यहाँ पे जगह कम हो गई है ना, बीच में फिर निकालने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसको आगे लगवा देंगे है ना। चलो गाइस गाड़ी का रिव्यू देंगे, दिखा दिया भाई मुझे सब कुछ, कुछ नहीं पर सनरूफ पसंद आई है मुझे, निकलवा दे भाई इसमें तो भारी थोड़ी सनरूफ है। तो गाइस अब निकलते हैं हम फार्म पे वही मीटअप है, तो भाई देख ले भाई भी बैठी गाड़ी में, चलो बैठे बैठ बाहर निकलिए नहीं, चल बैठा गाड़ी, ठीक है बैठ बैठ, चलो गाइस बैठते हैं गाड़ी में, खोल जल्दी खोल, चलो गाइस गेट करिए आराम से बंद, गाइस को बाद में समझाइए। ओके दोस्त आराम से प्यार मोहब्बत से। ये बता सुन ले सुन, मुझे निकलना है गाड़ी से बाहर। हाँ जी मैम, वीडियो बना तो तू रोहित वाली गाड़ी में आ जा, फिर उसकी गाड़ी में साइड बॉल लग रहे हैं फ्लैप, उस पे चाहे खड़ा हो जाए साइड में, या स्कॉर्पियो पे आ जाओ, इस पे साइड होनी है ना ब्रो। ब्रो रोहित तेरी गाड़ी में कोई है? बाहर निकल गए, चलो भाई रोहित वाली गाड़ी में। काफला चल दिया अपना, ये हमारी गाड़ी है, आगे दो गाड़ी जा रही है, तो भाई चल दिया है यहाँ पे का मीटअप कराने के लिए, फोटो खींचने भी स्टार्ट हो गए भाई, चल रहे हैं रिजोर्ट से, तो चल दी गाड़ी काफला रोहित वाली। ओए मैं भूरे के साथ आ रहा, कोई नहीं मैं भूरे के साथ आ रहा भूरे, चलो भाई बैठ जाओ, कोई ना कोई गाड़ी आ जा, निकाल ले काट 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 भाई, इन पर गाड़ी नहीं कट रही है, अरे काटो यार। बस 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 मोड़, अरे यार अरे काट दे तो पूरी, पीछे बैठ जी। तो भाई फाइनली आ चुके हैं हम घर, भैया सारे ये भैया आपको बताते जा रहे थे, ये भैया सारे आ गए, अरे सुंदर है भाई, हाँ भाई सही है भाई, भैया सुखी मिजाज बेटे आंटी आपके भाई कौन है? भाई कौन है? तब भाई ये निकाल दिए शूज, तब ये अंदर चलो कौन भैया जितने बने चलो भाई।
अरे ले पकड़ी मर गया यार। मुझे कैसे लगा हमारा मेरठ भाई, बिल्कुल भैया आओ अच्छा लग गया। अब कुछ कहना चाह मैं बढ़िया भाई, भाई मिल गया बारे सही चला। अब खाना वाना होगा थोड़ा, बिल्कुल जल्दी करवाया जाए खाना। अब होगा खाना भाई होगा, ले के दे रहा है पानी। बहुत पुन का काम कर रहा है ब्रो, तो ये का कुछ खाया नहीं ना इस वजह से हो रहा है। तो चलो भाई खाना खाने के बाद मिलते हैं भैया से। गाइस भैया जा रहे हैं RX 100 की राइड लेने, इधर भी ले जाओ पानी और देख लो भाई। और भाई को मिलना है और भाई ये भैया राइड लेंगे RX 100 की। नवीन भैया है भैया है पर रखिए भैया कैसा लगा चला के, मजा आ गया? ये तो भाई से मिलना आ गए सारे भाई, पूरे मजे ले रहे हम आके। तो गाइस देख लो वो फोटो शूट हो रहे हैं, देख लो RX 100 नंबर 02 ये तो देख के बताओगे नंबर, तो इसे ही नहीं पता नंबर, तो इसे नंबर खुद भी नहीं पता। नहीं रहा कागज का लिए नंबर देख रहा हूँ। चलो भैया के साथ फोटो खिंचवा लें पूरा ग्रुप फोटो, चलो मिलते हैं फोटो खिंचवाने के बाद। जब हम लेटर लिख रहे थे इस शो को पहले तो मैं अपने लिए था, लेकिन कोई और कह रहे थे कि अंकल जी भाड़े लिए वो भाई है, जब अंकल अभी तो है अगले एकदम आ रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग कर रहा था। जब तो मेरे बुलाने की तमाम कोशिश नाकाम हो गई, मैं अपनी दिल धड़क के धड़कन पर निरंतर न कर सका। मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम ना मिले तो ये धड़कन में जान के दुश्मन बन जाएगी, तो इसलिए कागज के बेजान टुकड़े पर अपने बचलते जज्बात समेट कर इनका तुझ पे ध्यान करने अपने दर्द दिल की दवा समझा। तो यंत्र तो स्टार्ट हो हमने मुंबई की सड़क पर गए हम, ये थोड़ा पूरी तो गाय भैया ने यहाँ भी चला ली और दो तीन भाई मिलने भी आए थे उनसे के साथ फोटो वोटो भी खिंचवा लिया। तो अब भैया ने खाना भी खाया, अब हो रहा है पॉडकास्ट क्योंकि रात के 7 बज गए तो पॉडकास्ट हो रहा है। तो दिखाते हैं मेरे भैया ब्रो, तो देख लो पॉडकास्ट का सेटअप लग गया है, अब होने वाला है पॉडकास्ट भाई। ये देखो तो भैया सस्पेंस सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना भाई, अगर बता देंगे तो कुछ जो कैमरे के सामने तो वो बढ़िया रहेगा ना। अच्छा लिपट हो गया आप, चलो देख रहे बिल्कुल लेना ही ना भाई बिल्कुल भैया, जो सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं ना एक एक क्वेश्चन का जवाब लेना है, सारे लेंगे भैया तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है। जो छोटे सवाल वो बार बार रिपीट करके पूछ लो बिल्कुल, कहीं तो फंसेंगे। भैया ने तो अपनी सीट बुक कर ली पहले, फोन की जरूरत है तेरे। तो गाइस जब आ गया हूँ घर क्योंकि मेरा फोन छीन था इसलिए नीड थी ना, तो मैंने ना फोन दे दिया था। ऐसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताओ, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ।